कांग्रेस की दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू बढ़ा सकती है मायावती की मुश्किलें। बसपा के दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, दलित वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस। हर विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्तियों में 10 रात लगाए जाएंगे चौपाल, कोर ग्रुप का भी किया जाएगा गठन। यूं तो हमारे देश के चुनाव में जाति और धर्म का महत्वपूर्ण रोल हमेशा से रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के जातिवार गणना के दांव से जाति की राजनीति फिर से उफान पर है। इस बीच कांग्रेस ने दलित गौरव संवाद का ऐलान किया, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस ने कांशी राम की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया। ऐसे में कांग्रेस का प्लान मायावती की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की नजर अब बसपा के वोट बैंक पर है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की पकड़ का मजबूत कारण दलित वोट बैंक था। बहुजन समाज पार्टी के गठन से कांग्रेस का दलित वोट बैंक खिसक गया। दलितों का वोट बसपा के पाले में जाने से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। अन्य जातियों पर भी कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। अब दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। अब जरा दलित गौरव संवाद यात्रा के बारे में जान लीजिए। 18 मंडल मुख्यालयों पर दलित गौरव यात्रा निकाली जाएगी। दलित संवाद अभियान के दौरान डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों समेत अन्य बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्तियों में 10 रात चौपाल लगाए जाएंगे। चौपाल में दलित अधिकार पत्र और 250 मोबाइल नंबर जुटाए जाएंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में दलित एजेंडा पर सामूहिक चर्चा कर कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय लीडरशिप कार्यक्रम के तहत 80 दलितों को चयनित भी किया जाएगा। दलित कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाएगा। 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे दलित गौरव संवाद कार्यक्रम का समापन संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर को होगा।